दोस्तों, मैं सुमेल अंसारी और आपका स्वागत करता हूं यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों से। जनपद में आज रात समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाली, जिसमें बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की गई। हथरस में दलित लड़कियों के साथ हुए सामूहिक बलात्कार का शिकार पीड़ित के दर्दनाक मौत पर दुष्कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता व महिलाएं सड़क पर उतरी। श्रावस्ती में जिला मुख्यालय बिनका में आज देर रात समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के महिलाओं एवं पुरुष की कार्यकर्ताओं ने एक घटना आरोपियों को कठोर सजा दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की गई है। दिल दहला देने वाली घटना से शंभू महिला दुष्कर्मियों को फांसी, दो महिला हिंसा बंद करो, छेड़खानी पर रोक लगाओ, चुप नहीं रहना है हिंसा नहीं सहना, भ्रष्टाचार सरकार होश में आओ, महिलाओं को सुरक्षा दो आदि जोरदार नारे लगाए। लोगों ने बलात्कारी को अलम सजा देने तथा पीड़ित की परिवार को मुआवजा व सरकारी नौकरी तथा महिलाओं को और लड़कियों को सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। अंत में महिलाओं हथरस में बलरामपुर की पीड़ित बेटी की श्रद्धांजलि दी और महिलाओं को हिंसा जल से मिटाने का संकल्प लिया। इस कैंडल मार्च में समाजवादी पार्टी के अलावा आम जनता भी शामिल रहे। श्रावस्ती भुजौ खान। अभी हाल फिलहाल में एक महिला अभिनेत्री के द्वारा बेतुकी बयान देने पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उसका छज्जा तोड़ा गया, तो ही छाती पीटने वाले कहते थे कि संविधान की नींव की ईंट हिला डाला है। अरे संविधान की नींव की ईंट हिला डाला था, उस बहन और बेटी का क्या हुआ जिसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई, जिसकी जीभ काट ली गई, तो 14 दिन तक संघर्ष करने के बाद आखिर प्राण त्याग दिया। क्या यह संविधान पर हमला नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने शेखर धवन जैसे खिलाड़ी क्रिकेटर के उंगली में चोट आने के बाद उन्होंने संवेदनाएं ट्वीट की। क्या हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के संवेदनाओं को लेकर ट्वीट किया गया? नहीं किया गया। हम माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग करते हैं कि उसके मनीषा वाल्मीकि के परिवार वालों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार वालों की सुरक्षा मुहैया की जाए, क्योंकि आज माहौल ये है कि उसके परिवार को भी खतरा हो गया है। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं, लेकिन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो। आज हम लोग भिंगा मुख्यालय के ईदगाह चौराहा पर हमारे लोकप्रिय विधायिका श्रीमती नारी वर्मा और हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सुरजीत यादव के नेतृत्व में हम लोगों ने हाथरस में जो हुई अभी जो कल कांड हुआ है मनीषा वाल्मीकि के, उसके साथ रेप किया गया, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई, उस बहन के साथ उसके गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, मरोड़ दी गई, उसके क्या कहते हैं जीभ काट ली गई। इतना जघन्य अपराध होने के बाद में 14 दिन संघर्ष करने के बाद वो उसने आखिर में प्राण त्याग दिया, और प्राण त्यागने के बाद जुल्म और जाति की इंतहा देखिए कि शासन के दबाव में पुलिस प्रशासन के द्वारा उसके माँ बाप को परिवार को बंधक बना दिया जाता है और रात के अंधेरे में उसके शव का दाह संस्कार किया जाता है। अगर ऐसा भाजपा सरकार के द्वारा कृत्य किया गया है तो पहली बात तो ये संस्कार के विरुद्ध है, ये पापी है, और दूसरी बात अगर साक्ष मिटाया गया है तो ये अपराधी भी। आज भिंगा मुख्यालय पर कैंडल मार्च निकाला गया, ये कैंडल मार्च क्यों निकाला गया है? ये कैंडल मार्च भाजपा की सरकार है इस समय, और भाजपा की सरकार ने मनीषा वाल्मीकि के साथ लड़की थी और उस लड़की को दलित की लड़की थी, और जिस तरह उस लड़की के साथ बलात्कार गैंगरेप उसके साथ बदसलूकी और उसका जुबान भी काट लिया गया, इस तरह की भाजपा के राज में और उस लड़की को माँ बाप को लाश ना देकर सरकार के द्वारा जला दिया गया, उसके प्रत्यक्ष में और उस परिवार को बहुत पीड़ित किया गया, तो आज केवल वो दलित समाज की लड़की थी मनीषा वाल्मीकि के साथ नहीं हुआ है, बल्कि पूरे समाज के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, सभी समाज के लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, मुझे प्रतीत होता है। वो दर्द केवल दलित परिवार में नहीं है बल्कि पूरे परिवार में है, और आज हम लोग जिस तरह लड़की के दर्द में आज जिला मुख्यालय में कैंडल मार्च निकाल करके सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि सरकार ने बहुत घिनौने हरकत कर रहा है, जैसा कि मनीषा वाल्मीकि के साथ ऐसा घिनौना हरकत किया है, इससे हमें प्रतीत होता है कि उनके पूरे परिवार को जो
गैंगरेप किए हैं उनको फांसी दे और पूरे परिवार को सुरक्षा और मुआवजा दे सरकार, भाजपा सरकार। आज हम लोग बेटिया में आए हैं